सोचिए कितना अमेजिंग होगा अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करके ये समझ पाए कि उनके मन में क्या चल रहा है। इसे माइंड रीडिंग कहते हैं और दुनिया के सारे मेंटलिस्ट इस माइंड रीडिंग स्किल को यूज करते हैं, जिन्हें आपने डिस्कवरी पे या ओवर द इंटरनेट देखा है। आपको यह समझने की जरूरत है कि माइंड एंड बॉडी फॉर्म अ सिस्टम, दे आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम पर्सन। ये एनएलपी का एक प्री सपोजिशन यानी कि गाइडिंग बिलीफ भी है, जो ये बताता है कि जो विचार आपके मन में चल रहे हैं उन विचारों को आपकी बॉडी एक्सप्रेस कर रही है, कॉम्युनिकेट कर रही है, रेडिएट कर रही है, और इसे रीड किया जा सकता है। तो आपको 5 पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करना है इस बॉडी लैंग्वेज को रीड करने के लिए, और ये 5 पॉइंट्स हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। फिजियोलॉजी वही चीज है जिसे लेमन लैंग्वेज में आप बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि आपको लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करना है, ऑब्जर्व करना है। आप नोटिस करेंगे कि एक इंसान जब खुश है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट है, जब वो दुखी है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट है, जब वो पर्सन कॉन्फिडेंट है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट है, जब वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट है। और अगर आप इसे रीड करना शुरू करें, ऑब्जर्व करना शुरू करें, तो आपका माइंड लर्न कर लेगा कि कौन सा इंसान किस फेशियल एक्सप्रेशन में किस तरह का फील कर रहा है। और इसका मतलब अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन को भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके मन में कैसी फीलिंग्स चल रही हैं या किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं। नाउ सेकेंड, टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस के बारे में कहते हैं कि वर्ड्स यानी कि शब्दों से जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज जस्ट 7%। 38% कम्युनिकेशन टोन ऑफ वॉइस से होता है। आपका नाम जब घर में बुलाया जाता है, और सपोज करो आपका नाम राहुल है, तो घर में आवाज लगाई जाती है राहुल, तो मीनिंग कुछ और है। लेकिन अगर इस तरह से बुलाया गया राहुल, तो बिल्कुल मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि टोन ऑफ वॉइस के बदलते ही पूरा कम्युनिकेशन ही डिफरेंट हो गया। आप लोगों के टोन ऑफ वॉइस को सुनना शुरू करिए, ऑब्जर्व करना शुरू करिए, कब उनकी वॉल्यूम अप हो रही है, कब उनकी वॉल्यूम डाउन हो रही है, कब वो सीरियस साउंड कर रहे हैं, कब वो फनी साउंड कर रहे हैं, राइट? और आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि उनकी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन में टोन ऑफ वॉइस का बहुत बड़ा रोल है, और टोन ऑफ वॉइस उनके मन में क्या चल रहा है वो एक्सप्रेस कर देता है। और कई बार वो एक्सप्रेस जो नहीं भी करना चाहते वो उनकी टोन ऑफ वॉइस बता देती है। क्योंकि कई बार लोग आपको ये कहेंगे कि दे लव यू, लेकिन आपको उसकी टोन ऑफ वॉइस से पता चल जाएगा कि वो कह तो रहे हैं शब्दों से लेकिन वैसा मीन नहीं करते, राइट? नाउ थर्ड, आपके जेस्चर्स एंड आपके पोस्चर्स जो आपकी बॉडी लैंग्वेज में इंटीग्रेटेड हैं। जब कोई भी पर्सन किसी बात को कम्युनिकेट कर रहा है तो उसके जेस्चर्स यानी कि कैसे उसके हैंड मूवमेंट्स हैं, ये सारी चीजें, उसके फेशियल एक्सप्रेशन जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये सारी चीजें बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं। और उसका बॉडी पॉस्चर, अगर कोई पर्सन कई बार सैड है, डाउन है, डिप्रेस्ड है, तो आप देखेंगे कि वो शायद अपने हैंड्स को ऐसे फोल्ड कर रखा है उसने, वो शायद उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ है, राइट? और वो शायद लेफ्ट डाउन या राइट डाउन इस तरह से देख रहा है, और ये बॉडी लैंग्वेज, और वो आगे की तरफ झुका हुआ है या उसने अपनी बॉडी की जो एनर्जी है उसको बिल्कुल लूज कर दिया, बिल्कुल लूज बैठा हुआ है, तो ये चीजें बता रही हैं कि वो इस समय सैड फील कर रहा है, वो डाउन फील कर रहा है, राइट? आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई पर्सन बहुत सैड है और शोल्डर्स को वाइड करके और यूं करके बैठा हो और बोले आई एम वेरी सैड राइट नाउ, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके एक ही थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आपको रीड करना है लोगों के जेस्चर्स को, लोगों के पॉस्चर्स को। जब कोई पर्सन कॉन्फिडेंट है तो उसकी बैकबोन स्ट्रेट होगी, जब वो अटेंटिव है तो उसकी बैकबोन स्ट्रेट होगी, जब वो अटेंटिव नहीं है तो उसकी बैकबोन लूज होगी, यानी कि हो सकता है वो कंधों को लटका के झूला के रखा हुआ हो उसने। तो ये सारी चीजें रीड करने वाली है, राइट? जो हैंड्स हैं यानी कि हैंड मूवमेंट्स है, ये भी बहुत कुछ बताते हैं किसी पर्सन के बारे में। अगर आप ऑब्जर्व करें और कोई पर्सन आपको ये कहता है कि आई एम इन अ बिग प्रॉब्लम, तो उसके हैंड मूवमेंट्स ऐसा बता रहे हैं कि वो अपने आप को उस प्रॉब्लम में फंसा हुआ फील कर रहा है। वो ऐसा फील कर रहा है मानो कि वो एक सेंटर में और चारों तरफ प्रॉब्लम है, क्योंकि हैंड मूवमेंट्स ने यही एक्सप्रेस किया है। तो स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल्स जेस्चर्स एंड पॉस्चर्स, ये थर्ड पॉइंट है। नाउ फोर्थ पॉइंट, ब्रीदिंग। जो सांसें हैं वो भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करती हैं। जैसे कोई भी पर्सन जब अनइजी फील कर रहा होता है तो उसकी ब्रीदिंग डिफरेंट होती है, और जब वो कंफर्टेबल फील कर रहा होता है तो उसकी ब्रीदिंग डिफरेंट होती है।
कई बार कोई इंसान किसी चीज को गहरे एहसास के साथ जब बताता है तो कोई गहरी सांस लेता है और उसके बाद वो उस बात को कहता है। जैसे हो सकता है कि आप मुझसे कोई बात कह रहे हैं और मैं आपकी बात को सुनूं और फिर मैं कहूं यस यू आर राइट, यानी कि मैं उस बात को पूरी तरीके से फील कर रहा हूं और उसके बाद कह रहा हूं कि यस यू आर राइट, यानी कि ये मैं महसूस करके आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो ब्रीदिंग भी बहुत कुछ बताती है और आपको ब्रीदिंग को भी ऑब्जर्व करना है। और एक इंसान के कम्युनिकेशन में आप देखेंगे कि कैसे उसकी टोन ऑफ वॉइस, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके जेस्चर्स, पोस्चर्स, उसकी ब्रीदिंग, ये सारी चीजें चेंज होती जा रही हैं और इसे ऑब्जर्व करके आप बहुत कुछ उसके मन में क्या चल रहा है वो समझ सकते हैं। अब लास्ट जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसे कहते हैं आई मूवमेंट्स, या इसे एनएलपी की लैंग्वेज में आई एक्सेसिंग क्यूज भी कहते हैं। अब आई मूवमेंट्स या आई एक्सेसिंग क्यूज क्या है और जो मैं बताने जा रहा हूं ये रूल नहीं है, ये ध्यान से समझिएगा। ऑब्जर्व करके ये पाया गया है कि ज्यादातर ऐसा होता है, हमेशा ही ऐसा होगा, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है तो उसे पूरी नॉलेज नहीं। तो हमारी आईज को जब रीड किया गया, जब साइंटिस्ट ने ये सारी चीजों को रीड किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि होता क्या है कि जब भी कोई इंसान किसी विजुअल मेमोरी को रिकॉल कर रहा होता है तो ज्यादातर सिचुएशन में जो उसकी आईज हैं वो लेफ्ट साइड में, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ चली जाती है। अच्छा, मैंने कल किस कलर की शर्ट पहनी थी? तो क्योंकि मैं विजुअल इंफॉर्मेशन, कलर को रिकॉल कर रहा हूं, तो मेरी आंखें लेफ्ट अप में चली गई। अगर मैं कुछ विजुअल कंस्ट्रक्ट करूं यानी क्रिएट करूं तो मेरी आईज ज्यादातर राइट अप में चली जाएंगी। अच्छा, मुझे अपने ड्रॉइंग रूम को किस कलर का पेंट कराना चाहिए, मुझे एक नया सोफा लेना है, किस कलर का होगा वो, तो अब मेरी आईज राइट अप में चली जाएंगी, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है। सेम इसी वे में अगर मैं किसी बात को रिकॉल कर रहा हूं, कल क्या कहा था उसने, तो मेरी आंखें लेफ्ट कॉर्नर की तरफ चली जाएंगी। ये मेरी आईज देखो रोल करके यहां आ रही है, लेफ्ट कॉर्नर की तरफ चली जाएंगी और मैं सोच रहा हूंगा कि अच्छा कल क्या कहा था उस पर्सन ने, क्योंकि मैं वर्ड्स को यानी कि ऑडियो को रिकॉल कर रहा हूं। और जब इसी तरीके से ऑडियो में कंस्ट्रक्ट करूंगा तो मेरी आंखें रोल करके राइट साइड में चली जाएंगी, यानी कि इस तरफ चली जाएंगी। अगर मैं सोच रहा हूं अच्छा कल मुझे वहां जाके क्या बात करनी चाहिए, क्या बोलने से वो काम होगा, तो आंखें इस साइड चली जाएंगी, राइट। इसी सेम वे में जब कोई पर्सन खुद के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आंखें लेफ्ट डाउन आ जाती हैं, यानी लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आ जाती हैं। जब हम खुद से कम्युनिकेशन करते हैं, जब आप अपने किसी दोस्त से पूछते हैं कि चलो यार मूवी चलोगे, तो कहता है मूवी, अच्छा चलो चलते हैं, तो आंखें इधर लेफ्ट साइड चली गई। क्यों? क्योंकि वो खुद के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। और इसी वे में कोई पर्सन जब अपनी आंखों को राइट डाउन लेके जाता है तो ज्यादातर वो फीलिंग्स को एक्सेस कर रहा है, ये करना सही है या नहीं है, वो फील कर रहा है ये मैंने गलत किया, ये मेरे साथ शायद बहुत बुरा हुआ, तो आंखें राइट डाउन की तरफ चली जाती हैं। और ये आंखें इस डायरेक्शन में क्यों जा रही हैं, क्योंकि जब आपकी आंखें लेफ्ट अप या राइट अप जाती हैं, या लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर की तरफ जाती हैं, या लेफ्ट डाउन या राइट डाउन जाती हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रही है, या एक पर्टिकुलर तरीके से पड़ी हुई इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रही है, और आईज का वो मूवमेंट ब्रेन की इस एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, राइट। इसे आई एक्सेसिंग क्यूज कहते हैं। तो इसी वे में अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तो कई बार आप समझ पाएंगे, जब कोई इंसान लेफ्ट अप देख रहा है और आप उससे अचानक से पूछे तो क्या सोच रहे हो तुम, कौन सी पुरानी बात याद कर रहे हो, और वो एकदम से चौंक जाएगा, अरे तुम्हें कैसे पता, क्योंकि उसकी आईज लेफ्ट अप में है, राइट। ऐसे ही राइट अप में वो कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताई नटशेल में, राइट। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इन्हें ऑब्जर्व करके आप काफी हद तक लोगों के माइंड को रीड कर सकते हैं, आप उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, उनके कम्युनिकेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन इन सारी स्किल्स को यूज करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, आपको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, कीन ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, राइट। और मैं ये चाहता हूं कि आज कमेंट सेक्शन में आप मुझे 2 चीजें बताएं। पहला, Did you like this video? क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा। सेकेंड, ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इन 5 पॉइंट्स में से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप ज्यादातर मिस कर देते थे, कभी आप ध्यान नहीं देते थे, जो इस वीडियो से आपने लर्न किए, मैं चाहता हूं कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, राइट। सो लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।